हरियाणा के किसान पिछले करीब 21 घंटे से कुरुक्षेत्र के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम लगा और यातायात बाधित रहा। हालांकि अब वे जाम जल्द ही खुल जाएगा। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि हाईवे को खुलवाए जाए ताकि लोग बिना किसी बाधा के आगमन कर सकें। कोर्ट ने कहा कि जनता को किसी तरह का कोई असुविधा नहीं होना चाहिए। किसानों ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद शहर के पास हाईवे को बंद कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने उनकी धान की फसल जल्दी खरीदने की मांग मान ली है, जिसके बाद किसानों को डर है कि उमस और बारिश से उनकी धान की फसल खराब हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास भंडार की जगह नहीं है, इसलिए राज्य सरकार खरीद की तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। राज्य सरकार ने कहा कि वह अनाज मंडियों से धान ले जाना शुरू करेगी, हालांकि 1 अक्टूबर आधिकारिक खरीद की तारीख रहेगी। इसके अलावा प्रति व्यक्ति खरीद की सीमा 22 क्विंटल से बढ़कर 30 क्विंटल कर दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की बड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।